हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गुमास्ता और आज हम क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन ब्रोडसाइड ऑन पोजीशन, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। तो इसे हम ट्रांसवर्स पोजीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पॉइंट जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। तो डायपोल एक्सिस क्या है, डायपोल क्या है, आपको पता है कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं तो उसे ही हम डायपोल एक्सिस कहते हैं। जैसे आपका ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये ही आप ये लाइन ही आपकी क्या कहलाती है, डायपोल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सियल पोजीशन में भी इंटेंसिटी पढ़ी थी। तो एक्सियल पोजीशन में यदि वो पॉइंट जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है यदि वो इसी एक्सिस पर होता तो उसे हम एक्सियल पोजीशन कहते, और यदि जो पॉइंट जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो फिर इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ। ये टोटल डायपोल एक्सिस की टोटल डिस्टेंस 2a है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी a होगी एंड ये डिस्टेंस भी आपकी a होगी। ठीक, यहां से r डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट p है जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी कहाँ होगी, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी ए वन की। ठीक, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी क्या है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहां पर मान लीजिए पी पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो प्लस और ये प्लस एक दूसरे को ये रिपल करेंगे, तो ए वन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये क्या करेगा, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ए टू की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा और ये एंगल भी आपका थीटा है। ठीक, ये जो है ये 90 और ये भी आपका 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट एन डायपोल ए बी कंसिस्टिंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट सेपरेशन टू ए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा, पी ओ बी। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ बी हाइपोटेनस स्क्वायर यानी पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है आपका, आर है, ओ पी आर के इक्वल है तो आर स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है, ए है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाई पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये आपका आ गया पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये साइड भी इक्वल होगी इसकी। ठीक, तो ये डिस्टेंस भी होगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस के प्लेस पर आपका क्या है, ओ बी क्या है आपका ए, और हाइपोटेनस ये
आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K. K जो है dielectric constant है medium का, Q upon distance का square plus Q charge के कारण distance, ये distance होगी distance का square, PB square, ठीक PB square क्या है आपका R square plus A square, R square plus A square ठीक। ये जो है आपका इक्वेशन वन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 मान लेते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपकी यहाँ पर पी ए है, ये भी क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन टू हो गया ठीक है। अब इधर पर देखिए, यदि हम इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं ठीक है, तो यदि ये वाला एंगल थीटा है ठीक, तो ये अल्टरनेटिव एंगल ये इक्वल होंगे, ये एंगल भी आपका थीटा होगा ठीक है, और ये क्योंकि इसके पैरेलल है ए बी के पैरेलल है ये लाइन, तो ये एंगल थीटा है इसलिए ये एंगल भी आपका थीटा होगा ठीक है। अब हम वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजर्व कर सकते हैं। E1 को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया आपका E1 साइन थीटा, ये इस डायरेक्शन में, और ये वाला कंपोनेंट E1 कॉस थीटा। सिमिलरली हम E2 को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका ये होगा E2 साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा E2 cos theta ठीक है। तो आप देखिए ये E1 sin theta की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ और E2 sin theta इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ये E1 cos theta प्लस E2 cos theta, रिजल्टेंट क्या होगा आपका, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। अब देखिए E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो मॉड वेक्टर E1 is equal to मॉड वेक्टर E2 ठीक, ये दोनों ही इक्वल है, तो E is equal to हम लिख सकते हैं 2 E1 और E2 दोनों के ही E2 के बेस पे हम E1 ही लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2E1 cos theta ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, E is equal to 2 E1 के बेस पे हम क्या लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon naught k q upon r square plus a square ठीक। cos theta की वैल्यू, cos theta ये a upon under root r square plus a square, E is equal to क्या होगा
this implies E is equal to 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught k q a r square plus a square और root मतलब क्या होता है half exponent r square plus a square की exponent कितनी half this implies E is equal to 2 1 upon 4 pi epsilon naught k q into a r square plus a square की exponent यहाँ 1 और ये half 1 and half कितना होगा 3 by 2 तो r square plus a square whole to power 3 by 2 और ये 2 q a ये क्या है dipole moment p से represent करते हैं ठीक है ये भी कोई dipole है तो दोनों charges में से कोई एक charge सिर्फ हमको magnitude लेना है q into डिस्टेंस डायपोल के बीच की डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस ये क्या है 2a तो q into 2a is equal to होता है आपका p इसके प्लेस पे हम p लिख देंगे e is equal to p यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon naught k p upon r square plus a square whole to power 3 by 2 अब आपको मालूम है कि ये जो r डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में ये a डिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल है ठीक है ये r के कंपैरिजन में a जो है वो बहुत स्मॉल है तो a को यदि हम नेग्लिजिबल माने तो क्या होगा e is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k p upon a के प्लेस पे हम 0 लिखते हैं तो r square whole to power 3 by 2 ठीक है 2 से ये 2 cancel e is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k p upon r q ये जो है आपकी electric field intensity in transverse position और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलॉम और यदि हम इसी को यदि हम एयर या वैक्यूम के लिए लें फॉर एयर और वैक्यूम तो आपको मालूम है एयर और वैक्यूम के लिए k is equal to 1 होता है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं e is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k के प्लेस पे 1 लिखते हैं p upon r cube न्यूटन पर